गर्ल की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। जितने भी रामबन एरिया के जितने सिंगर्स हैं ना, सभी के जो ऑर्गेनाइजर है प्रोग्राम के, ऑर्गेनाइजर दिया चौधरी, उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट और इस बार ये प्रोग्राम खुद भी सिंगर है भाई। अपना रामबन यहाँ से देखो कितना प्यारा दिखता है, अपना रामबन। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, और आप सब कैसे हैं? और इस व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज का व्लॉग शॉर्ट और अपने घर का और अपना पूरा विलेज का टूर रहेगा। आज पूरा विलेज दिखाएंगे आज कैसा। तो जाते पहले मेरी प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। और अभी आज हम रोड का रास्ता ऐसा हो गया और अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। साथ में मामू हैं मेरे, तीन मामू एक पीछे से आ रहे हैं। तो चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं। हाँ दोस्तों, ये अपना स्कूल है यहाँ का, मोहल्ले का। और बहुत यहाँ पे मैंने यहाँ स्टडी स्कूल में मैंने स्टडी नहीं की, मैंने की है जो इससे नीचे स्कूल था, प्राइवेटली लिया हुआ था, मैंने उसमें स्टडी की थी। तो ये स्कूल न्यू बना था, इसको बड़ा टाइम हो गया, बट मैं उसके बाद मैत्रा चला गया था पढ़ने के लिए। तो ये अपना प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे। तो अभी जा रहे हैं हमारी पूरी टीम, आज पूरे मोहल्ले का दौरा है। पीछे से एक मामू आ रहे हैं और ये अपनी पुलिस लाइन है सामने। और दोस्तों, घर से थोड़े ऊपर आए अपने घर, ये नीचे है भाई अपना मोहल्ला, ये अपना नीचे मोहल्ला है। और अभी हम थोड़ा सा ऊपर आए, आगे अपनी पूरी मामू फैमिली जितने सब जा रहे हैं। और पहाड़ का व्यू यहाँ से कितना प्योर, अभी यहाँ से थोड़ा और हाइट में ऊपर जाना हमें। तो ये रास्ता है यहाँ से जहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं, तो ये रास्ता है, व्यू नज़र आता है ना गाँव का। और पार रामन सिटी है ये पूरी, ये है अपनी रामन सिटी भाई, ठीक है। तो ऊपर ऊपर पहाड़ों पर बर्फ़ पड़ी है, उसी वजह से सर्दी भी हुई है। तो ये अपना मोहल्ला ये है अपना मोहल्ला भाई। और ये बने भाई फोर वे के, जो न्यू ब्रिज फोर वे बन रही है ना, फोर वे उसके ब्रिज जो रामन के सामने सामने से जाएंगे गुजरेंगे। और बहुत ही प्यारा व्यू बनने वाला है रामन का, जब डैम आगे सावलाकोट का डैम लगे उसका पानी आएगा, उसी के लिए तैयार किए गए। और अब तो मतलब कि अपने ऊपर रामन, और ये व्यू है यहाँ का, बहुत ही प्यारा व्यू है। सामने इस पेड़ की वजह से थोड़ा सा व्यू अलग सा दिख रहा है क्योंकि पेड़ सामने आ गया। तो रामन चल रही है भाई अपने मामू की बकरियाँ हैं, और कुछ आगे आगे कुछ इस तरह की जगह में पहुँचे। और यहाँ से रामन का जो व्यू है ना, बहुत ही प्यारा नज़र आता है भाई, बहुत मस्त व्यू नज़र आता है। और ये कुछ इस तरह का व्यू नज़र आ रहा है। तो ये देखिए भाई, हम वीडियो बना रहे जाते पहुँचे हम उसी जगह पे जो बहुत ही प्यारी जगह है। और यहाँ से पूरा रामन नज़र आता है, और सामने का व्यू भी सब कुछ सामने एकदम कतई जहर वाला नज़र आता है भाई। ओह माय गॉड, ये है भाई अपना रामबन, यहाँ से देखो कितना प्यारा दिखता है, अपना रामबन। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है ये अपना विलेज व्लॉग रहेगा। तो अपने विलेज में ही अभी, ये भी ऊपर घर है। तो ये नीचे अपना आ गया भाई गांव, ये भाई अपना गांव। और ये देखो, ये अपना पूरा गांव है। धूप ही निकली है, बहुत मस्त धूप निकली। और रघु मामू ये आ रहे हैं आगे से। तो आ चुके हैं हमारे लिए चाय और फुलके आ चुके हैं, और हम पी रहे हैं चाय। लिप्टन चाय आ चुकी है और रोटियां भी आ चुकी हैं, मामू वगैरह सभी चाय पी रहे हैं। ओह माय गॉड, खत्म हो गई चाय। तो हम पी रहे हैं चाय, देखिए बहुत ही मज़ेदार चाय बनी है, बट है ठंडी है। चलो पी लेते हैं चाय, फिर मिलते हैं आपसे। और ये देखिए चाय अपने घर के सामने, और मिसवा करते हुए निशा आ जा, आ जा, आ जा निशा, आ जा। ये तो छाल मार गए। ये देखो निशा नस की बिड़ गया, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। तो दोस्तों पहुँचे अपने बादशाह के पास, चाबी तो लाइए, देखते हैं क्या इसमें क्या सामान पड़ा है मेरा। ऐसे चेक मार लेते हैं क्या चीज़ है इसमें, फिर देखते हैं। तो बादशाह कुछ, तो बादशाह के अंदर के लोग कुछ इस तरह के अभी आपको दिखाई नहीं देगा, डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह सब कुछ लिख दिया। तो निकलते हैं यहाँ से। तो चलते हैं जश्न रमन, अभी पार्किंग ये अपनी वाली, ये आगे अपनी साक्षर थाली खड़ी है, और ये अपना भाई बादशाह टोर के साथ खड़ा है। इसका वो अंदर से वो निकल गया था, वो मैंने लगवा दिया। तो निकलते हैं फिर नीचे,
प्रोग्राम की तरफ, तो देखते हैं कैसा प्रोग्राम है, कैसी सिंगिंग चल रही है, उसी तरफ निकलता हूँ मैं। तो ओके फिट एंड फॉर्चुन, मैं जा रहा हूँ, अपने कज़न का एक प्रोग्राम है, जिया भाई ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है सिंगिंग का, तो जश्न रामबन, उसका नाम है जश्न रामबन, तो मैं अभी वहीं पर जा रहा हूँ। तो अभी पहुँचा मैं मोड़ पर, वो सामने प्रोग्राम जो नीचे मैत्रा पार्क में प्रोग्राम चल रहा है वो तो दिखाता हूँ आगे का सीन, में अभी हूँ कहाँ पे। ठीक हूँ, तो अभी मैं कुछ इस तरह की जगह में हूँ, ये आई 50-19 रैम पर अपना पूरा रेल बना के जा रही हैं गाड़ियाँ। तो जश्न रामबन बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है भाई, बहुत पब्लिक है नीचे जमा है मैत्रा में, और अभी मैं हूँ रामबन का व्यू कुछ इस तरह का, मैं अभी हूँ जो मेन मोड है ना वहाँ पे हूँ, तो रामबन का व्यू कुछ इस तरह का अभी का। तो चलते हैं नीचे, क्या सीन रहता है वहाँ का, तो फिर दिखाते हैं आगे का सीन आपको। जश्न रामबन, जश्न रामबन में पहुँच चुके, जश्न रामबन का कुछ इस तरह का टेंटिंग वगैरह लगा हुआ है, जो सभी इस तरह का कुछ लगा हुआ है, तो पहुँचते हैं वहाँ पे, तो फिर देखते हैं वहाँ का सीन की रहना है। तो ये भाई प्रोग्राम कुछ जश्न राम, की तरफ से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जितने भी रामबन एरिया के जितने सिंगर्स हैं ना सभी बुलाए गए, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रही है, और देखिए पब्लिक बहुत ज़्यादा भीड़ है, और डीसी साहब और जो भी मतलब कि वीडियो साहब जो वगैरह चलते हैं सभी आए हुए हैं। तो इनके जो ऑर्गेनाइज़र हैं प्रोग्राम के, ऑर्गेनाइजर दिया चौधरी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्रोग्राम, खुद भी सिंगर हैं। अभी डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, तो बस निकलेंगे यहाँ से, और अभी का मौसम बहुत ठंडा हो चुका है भाई, मैंने कपड़े कुछ ज़्यादा गर्म लगा के नहीं आया था, इसलिए ये लोग अब निकल रहे हैं आस पास, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, तो रोड वाला है। सो भाई अपने मेरे यार का डीजे सिस्टम है जो भाई क्लोज कर रहा है कुछ, और डीजे सिस्टम में हो रहा है क्लोज, म्यूजिक सिस्टम जहाँ पूरा मतलब म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है, डीजे वगैरह सभी एकदम ओके की रिपोर्ट में सब रखा हुआ है, और ये एम पे है सिर्फ एम्पलीफायर भी रखे हैं इस बंदे ने। तो अभी चल रही है साइड फोटोग्राफी चल रही है, पूरी हमदर्द पार्टी की फोटोग्राफी चल रही है। ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, ये हमदर्द नहीं किया था, हमदर्द जो है उसी ने ऑर्गेनाइज किया था, और उनकी फोटोग्राफी वगैरह चल रही है, और प्रोग्राम अभी ख़त्म हो चुका है। सौरभ अपने डीजे के समतारों को कर रहा है जमा, और इसके बाद सामान पैक हो गया, तो जिससे भी भाई डीजे की साउंड या किसी के रिलेटेड कुछ भी मतलब कि चाहिए डीजे साउंड या कोई भी सिंगिंग के लिए कोई भी साउंड सिस्टम चाहिए, तो सौरभ से कनेक्ट करें, इनकी शॉप जो है ये बावली बाज़ार में है। तो मेहरा डीजे कम्युनिकेशन,
मेरा डीजे कम्युनिकेशन इनकी, मैं हर व्लॉग में बोलता रहता हूँ, मेरा डीजे कम्युनिकेशन से रब्ता करें और इनके पास हर टाइप का साउंड से लेके जनरेटर से देखे। दरिया चनाब जो यहाँ से बह रहा है और आज के आस के पास में आया हूँ, तो सामने से नेशनल हाईवे, ऊपर से नेशनल हाईवे जा रही है और दूर से हाईवे, दूर से सब कुछ। हाँ दोस्तों, पहुँच के हम अपनी छोटी सी पार्क में, प्रोग्राम ख़त्म हो गया जिसने रामन और मेरे मुझे मिल चुके, मेरे यार अपने मुदस्सर भाई मिल चुके हैं शेरी के, और इनका फेरन आला है बहुत ही मस्त। मैंने अपना फेरन घर पे उतार के आया हूँ सर, तब धूप थी जब मैं आया था, तो अभी ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, और निकल रहे हैं घर की तरफ। और यहाँ पार्क का मौसम कुछ इस तरह का भाई, बहुत नज़ारा है, अभी लोग कम हैं, लोग निकल चुके हैं यहाँ से। तो ओके, पहुँच चुके मैत्रा चौक में और ले लिया अपनी लिए घर के लिए सब्ज़ी, और सब्ज़ी होगी है तो निकल रहे हैं सीधा घर की तरफ। और ये अपना मैत्रा चौक है, कुछ इस तरह का व्यू अभी शाम का। और अपने इलेक्ट्रिशियन वाले भाई भी गए यासर, तो देखते हैं कि रहना सीन, यहाँ से मोमोज ले लेते हैं खाने के लिए, क्या रहेगा सीन आपको।